विरार में मिसल की दुकान में लगी आग, आग में दुकान जलकर हुई खाक, शहर में आग लगने की घटनाएं जारी हैं। मंगलवार को जहां नाला सुपारा में गैस पाइप फटने से दुकान होटल में आग लगने की घटना हुई, वहीं आज विरार पश्चिम इलाके में एक मिसल की दुकान में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। यह घटना आज सुबह करीब 8 बजे की, जहां आग में पूरी दुकान जलकर खाक हो गई है। आपको बता दें कि आनंद लक्ष्मी बिल्डिंग की दुकान में यह आग लगी, जो कि विरार पश्चिम रेलवे स्टेशन के पास गावथन रोड पर स्थित है। आज सुबह करीब 8 बजे दरमियान इस दुकान में अचानक आग लग गई, इससे नागरिक सहम गए और घटना की जानकारी जैसे ही मनपा के दमकल विभाग को मिली तो वे मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने का काम शुरू किया, लेकिन आग ज्यादा भड़कने के कारण बिल्डिंग में धुएं का माहौल बन गया। इस इमारत में रहने वाले नागरिकों को दमकल कर्मियों ने तुरंत बाहर निकाल लिया और दुकान में रखे 7 सिलेंडर भी बाहर निकाल लिए गए। करीब 2 से 2.5 घंटे के अथक प्रयास के बाद फायर कर्मियों ने इस आग पर काबू पाया। वहीं गनीमत यह रही कि इस आग में कोई जनहानि नहीं हुई है और दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। जिस समय आग लगी उस समय दुकान बंद थी। आग लगने का सही कारण का पता नहीं चल पाया है। बता दें कि मंगलवार को नाला सोपारा में गैस पाइप फटने से द्वारका होटल जलकर खाक हो गया, 7 लोग घायल हो गए हैं। चूंकि बसई विरार में आग की दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं, इसलिए शहर में अग्नि सुरक्षा का मुद्दा सामने आ रहा है। वसई विरार क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से आग लगने की 2 घटनाएं सामने आने के बाद अग्निशमन विभाग पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। इस क्षेत्र में कई दुकानें और होटल ऐसे हैं जहां आग विरोधक तंत्र नहीं है, जिसके चलते आग लगने की घटना बढ़ रही है।